रोटेशन की बात करें तो ओआर की टीम ने रोटेशन स्टार्ट कर दिया है और गाड़ी में बैठ गए भाई। इसी कलर की गाड़ी है स्काउट की, येलो कलर की गाड़ी है, देखे हो ना। कौन सी फाइट का आपका सबसे ज्यादा इंतजार है ये मैं जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो कौन सी फाइट आप देखना चाहते हो, कौन सी फाइट एंटिसिपेट कर रहे हो कि उन दो प्लेयर या उन दो टीम के बीच होगा तो ओपी होगा फाइट, चैट में कमेंट करके बताएंगे गाइस। एटलस भैया सामने से निकलते हुए स्काउट ने स्काउट किया एटलस को, सामने रौनक गैलेक्सी रेसर्स की टीम है, डीपी इनके पास, पीक लेने की कोशिश, देखने की कोशिश और बहुत ही बढ़िया स्प्रे, एक गोली दो गोली कनेक्ट हुई रेड डॉट डीपी स्काउट की तरफ से, रौनक को गोली चलाने की कोशिश, ड्रिंक की कमी है इनके पास, एक ही ड्रिंक है। दस्त्रो पूरा तरफ से घेरने की कोशिश गैलेक्सी रेसर्स की, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा कि काफी ओपन में है ओआर और टीएसएम की टीम है बगल में भाई, टीएसएम की टीम है बगल में तो हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी हो, ऐसा हो सकता है। ओ टेम्पेस्ट को पड़ी है मिनी के शॉट क्लच गॉड की तरफ से और टेम्पेस्ट वे डाउन, इसका फायदा हो सकता है ओआर की टीम को, लेकिन ओआर की टीम को पता चल गया कि राइट साइड में हमारी टीएसएम की टीम है तो ओपन में वो अपनी कैजुअल्टी नहीं लेना चाहते, इसलिए उन लोगों ने यहाँ से रोटेशन स्टार्ट कर दिए और सही डिसीजन लेते हुए मूव कर गए घर की तरफ जहाँ से वो बूम बम करने को तैयार। तो भाई सब्सक्राइब बटन होगा ध्यान से देखिएगा, लाल नहीं रहना चाहिए सब्सक्राइब बटन, ग्रे कर दीजिएगा सब लोग। ओआर की टीम अपनी बैकफुट बैक पोजिशन पर आते हुए प्रथम वाइटी को यहाँ पर डाउन किया है, एडी ने एक बंदे को डाउन किया। हम चलेंगे टू सी आर टीम के पास, सामने की टीम से भी एक बंदा डाउन, अदनान भी डाउन हो गया है, तो टोटल यहां दो बंदे डाउन, अभिषेक फिनिश, अकेला एडी बचा हुआ है, एक नेड आता हुआ, बूम शायद हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत स्प्रे एडी का और नेड भाई साहब, जो नेड घर पे फेंका था उस नेड से एडी फिनिश हो गए, जो बंदा स्टार डाउन हुआ वो नेड जो फेंक चुका था उससे टू सी आर की टीम निपट गई, टू सी आर एलिमिनेटेड, बूम बाम हो गया, खतरनाक नेड यहाँ पर भाई, इसको बोलते हैं लकी नेड। सुपरस्टार की टीम को हम देखेंगे तो दो बंदे सुपरस्टार के डाउन है, ये लड़ रहे हैं ईगल की टीम से, ईगल की टीम की पोजीशन अच्छी है और जोन के बाहर की लड़ाई, एक बहुत खतरनाक नेड यहाँ पर डॉट कॉन की तरफ से आया, खतरनाक नेड और डॉट कॉन भी डाउन है, ईगल के यहाँ पर किल जो है वो चार हो गए, शीन यहाँ निपट गया उनका, डॉट कॉन डाउन हुआ, लेकिन जमावड़ा देख भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, क्लस्टर बन रहा है, टीएसएम की टीम यहां पर पहुंचती हुई ओआर की टीम है सामने, तो बूम बाम हो सकता है और यहां जोनाथन ने फायर किया ओआर की टीम पर, स्काउट पर यहां गोली चलाते हुए जोनाथन और गाड़ी पर वन एचपी, वन एक गोली लगी, थोड़ा कनेक्ट हुआ, ओआर की टीम यहां मुश्किल में पड़ती हुई, ओआर की टीम को दोनों तरफ से यहां पर फायर किया, टीएसएम की टीम आगे बढ़ते हुए, स्काउट राइट साइड रिज में एक नेट नहीं स्मोक करके बचने की कोशिश, लो टॉस करके नेट किया नहीं, ऐसे एक नेड अगर सही चला जाएगा तो दिक्कत में पड़ सकते हैं स्काउट, राइट साइड स्मोक किया शायद, राइट साइड फ्लैंक करने की कोशिश, लेकिन सामने जो हमारी स्टार की टीम है, स्टार की टीम वो दिक्कत में कर सकती है, जोनाथन यहाँ पड़ सकते हैं, स्काउट को डाउन किया है, स्काउट यहाँ पर डाउन हुए हैं और दिक्कत में पड़ सकते हैं, बूम बाम हो गया, क्या इनको रिवाइव मिलेगा ओआर की टीम से, गाड़ी इनकी पूरी ब्लास्ट हो गई, क्या किल कन्फर्म होगा, TSM क्लच गॉड यहां डाउन हुए, जेड गॉड गए हैं उनको रिवाइव करने के लिए, कवर ले लिया है, SS सिर्वी ने यहां क्रूसिफेयर को डाउन किया है, गॉडन स्मोकी को शैडो ने डाउन किया, एक और नेड यहां पर जोनाथन की तरफ से और स्काउट की यहां पर हेल्थ बहुत जल्दी जा रही, राइट साइड में TSM की टीम का जो बंदा डाउन था क्लच गॉड उसको रिवाइव कर दिया गया जेड गॉड की तरफ से, और यहां ध्यान देने वाली बात होगी के डेस्ट्रो आए स्काउट को रेस्क्यू करने के लिए और उन्होंने सक्सेसफुली यहां रिवाइव कर दिया है, एक नेड कुक किया जा रहा है डेस्ट्रो की तरफ से, अगर ये नेड परफेक्ट जा पाया अंदर तो खेल हो सकता है, और शायद ये नेड अंदर नहीं गया, स्मोक करेंगे यहां निकलेंगे, तो यहां ओपी सेफ फ्रॉम डेस्ट्रो, स्काउट को बचाया, बहुत ही गंदे तरीके से फंस गए थे स्काउट लेकिन बच गए, स्मोक करके निकलने की कोशिश रह गई, टीएसएम की टीम को भी चारों तरफ से पड़ रही, गाड़ी में बैठने की कोशिश थी लेकिन बैठे नहीं, फिर से कवर के अंदर जाएंगे, बहुत ही छोटा सा घर है यहाँ कवर लेने का, ओआर की टीम चारों के चारों बंदे इंटैक्ट, गटका में पोजीशन पकड़ते हुए जेनेक्स सामने, ओआर गिल M16 से स्कोप करते हुए,
ओपी सेव, डेस्ट्रो का ओपी सेव। और यहां स्काउट ने जोनाथन को डाउन किया है बूम बाम डीपी का स्प्रे देते हुए। जोनाथन डाउन, खून का बदला खून से लिया जाएगा। जोनाथन को रिवाइव मिल गया कवर में। हमें 8 बिट का, एक से 8 बिट का बंदा, एक गोली कनेक्ट हुई है। जोनाथन की गाड़ी फोड़ दिया भाई, वो मेगा बॉम्ब जो है गाड़ी फटने से मर गए। खुदाई गाड़ी फोड़ दिया का लग रहा है, खुदाई गाड़ी फोड़ दिया। बहुत छोटा सा जगह। किल कंफर्म करने की कोशिश, और यहां मिलेगा, किल मिलेगा, बराबर किल मिलेगा भाई, किल मिलेगा। अगर गाड़ी फटने से वो नॉक हुए होंगे और फिनिश नहीं किया जाएगा तो क्या किल रजिस्टर होगा टीएसएम की तरफ से? क्या टीएसएम ने गाड़ी फोड़ी थी? यह हमें देखना होगा। और यस, जोनाथन ने गाड़ी फोड़ी थी और जोनाथन को यहां पर किल कंफर्म मिला है। एक किल और जोनाथन के खाते में, टोटल 2 किल मिल गए। हेलमेट इनका हाफ डैमेज है। स्काउट की डीपी चली थी, हेडशॉट लगा था खतरनाक। अगल बगल में टीएसएम की टीम और ओआर की टीम, जो कि ओपी फाइट देखने को लेकर, 2 बंदे इनके 2-2 के। और यहां ध्यान देने वाली बात होगी गाइस, यहां ध्यान देने वाली होगी कि क्लच गॉड और जेड गॉड 2 बंदे यहां 2v4 करते हुए। टीएसएम जेड गॉड डाउन है तो मुझे लगता है दिक्कत में पड़ सकते हैं। क्लच गॉड का यहां पर गेम प्ले हमें देखना होगा। जेड गॉड को पूरा का पूरा फिनिश किया है, स्मोक करके वेट कर रहे क्लच गॉड, बिल्कुल भी फुटस्टेप नहीं देख रहे। चारों तरफ फ्री फायर दिया जा रहा है, देखना है कि क्या वो ऊपर आते हैं पर नीचे आते हैं और इनका शिकार होता है। रूम में यहां पर एंट्री मिलेगी और यहां AKM मारने की कोशिश हुई, लेकिन एटलस प्ले पर फन ने टीएसएम क्लच गॉड को पूरा का पूरा फिनिश किया और जो रिवाइव करने गए थे अटक गए, वहां पर दिक्कत में पड़ गए। जोनाथन और नियो 2 बंदे बचे हैं, एटलीस्ट इस बार जोनाथन अकेला नहीं है। ओआर की टीम ने रोटेशन स्टार्ट कर दी और वो रोटेट करते हुए ओआर की टीम गाड़ी लेके सेंटर ऑफ द सर्कल जाने की कोशिश उनकी। सीजी की टीम, हमारी स्टार की टीम भी अभी बाहर है, टीएसएम की टीम भी बाहर है, गोलियां चल रही, स्काउट भाई बैठे हुए हैं। ओआर की टीम हमारी सेफ साउंड सर्कल में पहुंच गई, पोजीशन पकड़ लिया, घर पकड़ लिया। और चोर नए बंदे हैं, सब्सक्राइब कर देना गाइस, लाल वाला बटन दब जाना चाहिए। ओपी फाइट चल रही, मजा आ रहा देख के। हिल पे पोजीशन पकड़ते हुए पीछे से ओआर की टीम खेला ना कर जाए भाई। यहां पर बूस्टेड प्लेयर ने स्टार की टीम को, एक बंदे को धुआं भाई मारा और कचाइन कर दिया मार के, एकदम गर्दा छोड़ा दिस मार के। एक नेट बहुत बढ़िया गया है बच्चू महाराज, नेट लेके उछल उछल के। M4 इनके हाथ में 6x है और स्नैक्स का नेट कनेक्ट नहीं हुआ। राइट साइड में स्मोक करेंगे, शायद फ्लैंक करने की कोशिश रहेगी। यहाँ पर क्लोजिंग करना चाहते हैं और जो थर्ड पार्टी है उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेफ्ट साइड से भी जीडी की टीम यहाँ पर शार की टीम को मार रही, गाड़ी लेके निकलने की कोशिश स्टार टीम की। एक नेड और पड़ा लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उस नेड का, HP हाफ हाफ है जरूर स्टार टीम की। गॉड का भी एक बंदा, जीडी का भी एक बंदा लेफ्ट साइड से फ्लैंक कर रहा है। एक यहां दिक्कत में पड़ते हुए स्टार की टीम यहां दिक्कत में पड़ती है। फ्यूरी इनके डाउन हो गए, हाफ ऑफ HP है, बहुत ही दिक्कत में पड़ते हुए। चारों तरफ से गोलियां पड़ रही, लेट के ही काम चलाना पड़ेगा, अभी कोई उपाय नहीं है। स्नैक्स जो है काफी फ्लैंक कर गए, इनके पास है डीपी, यहाँ पर डीपी के शॉट देखने को मिल सकता है। M4 से क्लोज रेंज में यहाँ पर हसन को शायद वो स्पॉट करेंगे। M4 का यहाँ पर रैंडम स्प्रे करते हुए स्मोक में एक आध गोली अगर कनेक्ट होने का वेट कर रहे थे, पोजीशन पता करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्टार की जो टीम है उनको दिक्कत इस बात की हो रही है कि पीछे से भी गोलियां चल रही। राइट साइड में GD का भी एक बंदा, GD के बंदे ने दोनों तरफ से पड़ रहे, दिक्कत में पड़ रहे। SVR क्लच डाउन, एक नेट अगर सही चला गया करके तो दिक्कत में पड़ सकते हैं। हसन अकेला बचा हुआ है, हसन ने यहाँ पर हेल्थ लिए। बूस्टेड प्लेयर जो हमारे स्नैक्स हैं वो पीछे आते हुए, पीछे से GD के बंदे जो है थर्ड पार्टी जो है फोर्थ पार्टी करने लगे, फर्स्ट बंदे को मारना स्टार्ट कर दिया। M4 का स्प्रे, गाड़ी ब्लास्ट की गई लेकिन कैजुअल्टी नहीं हुई। एक भी बंदा यहाँ पर डाउन, जो बंदा तो उसको शायद रिविजन मिल जाएगा, रिवाइव मिल जाएगा, देखते हैं क्या होता है, फिर से मौका मिलेगा उनको खेलने का। ओ भाई यहाँ पर कोरियन तनीशा ने एक और बंदे को डाउन किया है दिक्कत में पड़ते हुए। हसन अकेला बचा हुआ है, क्या सिचुएशन होती है ये देखना है हमें। बूस्टेड प्लेयर को डाउन किया, कोरियन तनीशा भी डाउन, GD की टीम यहाँ पर भाई साहब शॉट लगाए हैं। अकेला बच्चू महाराज हमारा बचा हुआ है, बच्चू महाराज रिवाइव देते हुए
दिक्कत होती है, हिल में जो फाइट हो रही है बहुत ही खतरनाक, एंडी क्रेटोस भी है लेफ्ट साइड में, तो सेफ साउंड हो सकता है, रिवाइव मिल जाए, स्नैक्स दिक्कत में पड़ सकते हैं, जीडी की टीम पूरा फॉरवर्ड चलेगी, पीछे से भी बैकस्टैब हो सकता है, ओपी फाइट होती हुई यहाँ, स्लेयर को यहाँ डाउन किया स्टार ने, और ओ पैन पे गोली लगी तो शायद यहाँ एक मौका मिलेगा। कोरियन तनिषा पीछे से एक और टीम ने रश किया यहाँ, सबसे पहले कवर बनाते हुए, 8 नंबर की टीम और 10 नंबर की टीम, यहाँ लड़ाई होगी, ओपी पीछे से एक और टीम का एंट्री। समस्या ये हो रही है कि एक टीम नहीं है, चारों तरफ टीम है, तो किधर लड़े, लड़े तो किधर लड़े, बहुत ही दिक्कत में पड़ती हुई, बहुत ही दिक्कत में पड़ते हुए हमारे, एक बंदा, दो बंदे बचे हुए हैं, क्रेटोस अभी भी बचा हुआ है, क्रेटोस की पोजीशन सबसे अच्छी, उसने टावर को नहीं छोड़ा था तो टावर के पास है वो, लेटा हुआ है, रौनक को वो नेट करने की कोशिश, एक नेट और पीछे से पड़ी भाई, जीडी के बंदे जो थर्ड पार्टी कर रहे हैं इस मैच में, खतरनाक भाई, थर्ड पार्टी पे थर्ड पार्टी, दिक्कत में पड़ गए, तो पूरी की पूरी टीम हमारी यहाँ पर हो गई साफ। रौनक बग्गी में एक बंदे को बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे भाई, पहुंच गए जोन के बिल्कुल ही नजदीक, ओवर की टीम लेफ्ट साइड से आएगी, देखना है हमें कि क्या क्या सीन बनता है, पहले सिक्योर कर रहे हैं वाश आउट, कोई छुपा ना बैठा हो, कोई अगर कैम करके बैठ रहा होगा तो भाई एक बंदा तो कम से कम खा ही जाएगा। जोनाथन ने टीम एक्स ने वो को यहाँ डाउन किया है, हम चलेंगे जॉनी के पास और नेट करके शायद मारने की कोशिश, इनिग्मा शैडो है सामने, बैकफुट पे आते हुए पेड़ का कवर लेते हुए सर्कल जाने की कोशिश रहेगी इनकी, यस सर्कल जाने की कोशिश। टूई की टीम जो है हमारी ईगल की वो राइट साइड में है, सीजी की टीम फ्रंट में पड़ रही है इनकी, किसी तरह से ये सर्कल पकड़ने की कोशिश रहेगी और हल्के रिजेस है यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होगी, पीछे से जो बंदा आएगा उसको टोचन देने को तैयार, 2 किल के साथ जोनाथन M4 हाथ में लिए हुए और शैडो उनको दिखा, और यहाँ पर किल मिलने को भाई साहब ये लगी बॉडी भाई, लेट गए पटाक से, पूरा कंफर्म डाउन नहीं कर पाए, एटलस प्लेटफॉर्म ने जीडी को डाउन किया है और फेट ट्रिक की, यहाँ गिर के मर भाई, कूद के मर गए भाई, झाप दे दिया भाई। जीडी की टीम भी वहाँ पर फाइट लेते हुए, हिल पे अभी भी फाइट चल रही, टीएसएम की टीम बहुत ही मुश्किल में पड़ते हुए जोन के बाहर है, 2 बंदे पीछे हैं, धीरे धीरे वो जोन में जाने की कोशिश, डीपी पड़ रहा सामने से लुफी का, सीजी लुफी 99 डीपी चलाते हुए सामने सीजी की टीम, राइट साइड में ईगल की टीम, क्या बच के निकल पाएंगे, हमारी टीएसएम की टीम क्या बच के निकल पाएगी, देखना यह है, देखना है कि यहाँ क्या बच के निकल पाएंगे। पीछे भी देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, चारों तरफ संभालने की कोशिश, मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत दिक्कत है भाई, लेकिन हो जाएगा, टेंशन मत ले भाई, कोई दिक्कत में नजर नहीं आ रहे, लेकिन डॉटकॉन ने यहाँ पर नियो को डाउन किया है, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा फिनिश होंगे, नियो को दिक्कत में पड़ते हैं, जोनाथन को भी पड़ी गोली और यहाँ TSM का खात्मा हुआ और 2E की टीम ने एक बंदे को मारा और CG लूफी जो DP चला रहे थे उन्होंने एक किल कंफर्म किया जोनाथन का, फिनिश टाटा खत्म गुड बाय। जान देने वाली बात होगी कि अभी भी OR के चारों बंदे इंटैक्ट हैं और बढ़िया पोजीशन में है, हिल पकड़े हुए हैं, थोड़े से स्प्रेड हुए हैं, DP चला रहे स्काउट, एक एक पोजीशन को आराम से देखते हुए गाड़ी का चक्का फोड़ते हुए कि कोई बंदा अगर छुपा हो और जोन में जाने की कोशिश करे तो मार देंगे। सामने का हिल सर्कल बन गया, OR की टीम की रोटेशन अब हमें देखने को मिलेगी, 4 सेकंड बाकी है, क्या ये निकलेंगे, यस राइट साइड में भी जीडी के बंदे बचे हुए हैं, पीछे देखते हुए कि कोई पीछे से बैक स्टेप ना कर दे, सर्कल स्टार्ट हो गया है और DP के शॉट्स यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश स्काउट की तरफ से और गाड़ी है इनके पास तो गाड़ी लेके आगे बढ़ती हुई OR की टीम हमारी स्ट्रांग लग रही, सब कुछ सही, हेलमेट पेस्ट इंटैक्ट है इनका और अक्षित ने यहाँ पर गॉड डेबॉट को डाउन किया है और स्काउट जल्दी से उतरे, उतरते उतरते उनकी हाफ HP हो गई और यहाँ किल चुराने की कोशिश करेंगे, गाड़ी का चक्का फोड़ रहे, मूवमेंट यहाँ पर खराब करने की कोशिश, जेनेक्स अक्षत को यहाँ पर DP के शॉट लगाए हैं और एक गोली का रह गया अक्षत और मुझे लगता है जोन से ही वो नॉकआउट हो जाएगा और जी हाँ यहाँ लगे बिंडी भाई भी डाउन हुए हमारे, स्काउट की HP अभी भी हाफ, बंदे स्काउट करने की कोशिश, देखते हैं कि बंदा क्या अभी भी जोन के बाहर है, तो जोन के बाहर का खेल यहाँ खत्म हो गया, टोटल 13 बंदे बचे हैं, डाउन द रिज यहाँ पर पोजीशन पकड़ी है OR की टीम ने, OR की टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अभी मैं बात करूँ पोजीशन की तो सबसे अच्छी पोजीशन अगर है तो वो ईगल स्पोर्ट्स की है, ईगल स्पोर्ट्स की बड़ी अच्छी पोजीशन है। टीम नंबर 5 के हमारे पैराडॉक्स और इनकोर जो है वो
पीछे से ईगल टीम को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा, दिख नहीं पा रहे बंदे जोन के बाहर। क्या रोटेशन हो पाएगी? ओआर की टीम भी रोटेट करेगी, सीजी की टीम भी रोटेट करेगी, तो हमें देखना यह है कि ईगल की टीम क्या ये रिच जो उन्होंने जोन पकड़ा है क्या वो होल्ड कर पाएंगे, क्या तीन 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 टीम से लड़ पाएंगे। जी हाँ, स्काउट को पड़ी गोली चॉपर की तरफ से और कर दिया उनको 1 HP, हेल्थ ले ली उन्होंने जोन के बाहर। और गाड़ी लेके ओआर की टीम आती हुई, हमें देखना यह है कि क्या फाइट होती है। जस्ट जोन में जाके एंट्री ली है, चॉपर ने स्काउट को डाउन किया है, दिक्कत में पड़ सकता है स्काउट अगर स्मोक करके तुरंत रिवाइव ना दिया गया। नेड आ सकता है, चॉपर ऊपर बढ़ते हुए यहाँ पर मिनी के M16 के शॉट्स मारने की कोशिश, और बहुत बहुत 2 गोली लगी भाई हेड पे, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह हो गई कि सामने से ऑटो स्प्रे आ गया, सिंगल शॉट्स गिल के काम नहीं आए। 1 HP जरूर किया था सामने वाले बंदे को। फिर से हिल की फाइट देखने की पोजीशन यहाँ पर 2E की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी। स्काउट अभी भी रिवाइव नहीं हुए हैं, एक और स्मोक किया गया है, शायद बच जाएंगे। डेस्ट्रो ने स्मोक किया, स्काउट को रिवाइव मिल रहा, गिल को भी रिवाइव मिल गया। मजे की बात यह है कि सारे के सारे बंदे बच गए, कैजुअल्टी नहीं देखने को मिली। सीजी का एक बंदा बचा हुआ है लूफी, और यहाँ पैराडॉक्स की तरफ से गोली चली, और जो चॉपर भैया हवाई हेलीकॉप्टर में बैठ के गोली चला रहे थे उनको ऊपर ही सूट दिया पकड़ के। ईगल स्पोर्ट्स की टीम का एक बंदा यहाँ डाउन, क्या उनको रिवाइव मिलेगा? ना भैया, किल कंफर्म करने की कोशिश यहाँ पर डेस्ट्रो को गोली करी लेफ्ट साइड से, लेफ्ट वाले बंदे ने गोली चला दी, दिक्कत में पड़ सकते हैं। हाई हिल में है ओआर की टीम, स्ट्रांग लग रही, 2E की टीम जो हमारी स्ट्रांग लग रही थी वो अब दिक्कत में पड़ती हुई 2-man squad हो गए वो लोग। 4 बंदे अभी भी ओआर के बचे हुए, लेफ्ट साइड में 2 बंदे 5 नंबर टीम के। देखो क्या होता है, क्या लगता है गाइस, स्पैम करके बताएंगे चैट में कि क्या ओआर ये चिकन डिनर निकाल पाएगी। और जो भी नए बंदे हैं उनसे नम्र निवेदन है कि बस हमें 2 सब्सक्राइबर और चाहिए गोल पूरा करने के लिए, तो फटाक से लाल बटन जो है नीचे दबा देंगे। यहाँ DP का स्प्रे लेते हुए, किल चुराते हुए लूपी को यहाँ पर DP का खतरनाक स्प्रे दिया है, बूम बाम एक किल यहाँ रजिस्टर करते हुए। 2E का 2 बंदा बचा हुआ जिस पर एकदम एम तान के बैठे हुए हैं। DP का एक भाई साहब खतरनाक स्प्रे फ्रॉम स्काउट, और पैरा जिम को डाउन किया स्काउट ने। सामने एक बंदा है डेस्ट्रो जो है वो काफी फ्लैंक कर चुके हैं, तो डेस्ट्रो यहां पर हो सकता है कि यहां क्लच कर जाए। 2 बंदा यार यहां एक एम का लगाया, दोनों के दोनों बंदे साफ हो गए। यहां पर OR इज लुकिंग स्ट्रांग, OR इज गोइंग फॉर चिकन डिनर। सिर्फ 2 बंदे बचे हैं डाउन द हिल जिनकी पोजीशन पता है। ओ भैया एक एम का बढ़िया स्प्रे, लेकिन पैराडॉक्स जो है स्प्रे मारते मारते नीचे कर गए, बहुत ही दिक्कत में पड़ गए हैं भैया। क्या होगा यहाँ देखना पड़ेगा। ये नेड आया, बूम, नहीं भाई बच गए। डेस्ट्रो यहाँ पर फुल फिनिश खूंखार मूड में आगे बढ़ते हुए, गिल ने डाउन किया और एक गोली चली। ओआर की टीम कमिंग स्ट्रांग, 4 किल डेस्ट्रो के, 2 किल स्काउट के, ओआर गिल के 3 और 9 किल के साथ ओआर की टीम हमारी जो है ऑरेंज रॉक इज द चैंपियन ऑफ द लास्ट गेम। चिकन डिनर लिया, ये का जनरेटर चल रहा है पीछे भाई, डिक 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 डिक। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, मजा आया होगा गेम प्ले देख के, लोगों का मजा आया होगा। OP कमेंट्री अगर लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत गाइस।